से पूछे ना तो हम क्या बोल सकते हैं भैया। ये ना इनसे पूछे ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, क्या किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है, आपको क्या पता भैया, ये इनसे ना पूछिएगा। हटे आप लोग, एक बड़ी खबर राजधानी से सामने आ रही है, जहां पूर्व सांसद और जाप पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को गांधी मैदान थाने में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह ही कई थाने की पुलिस और खुद डीएसपी पप्पू यादव के आवास पर पहुंचे थे और ऐसा समझा गया कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाएगा। खुद पप्पू यादव के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह ने भी डीएसपी से कहा कि वो लिखित आश्वासन दे रहे हैं उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए, लेकिन पुलिस ने नहीं माना और उन्हें गांधी मैदान से गिरफ्तार कर लिया। पूर्व सांसद पप्पू यादव के साथ उनके आवास पर उनके कार्यकर्ता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह भी मौजूद थे। राष्ट्रीय महासचिव ने डीएसपी को पूर्व ने पटना और राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी और निजी अस्पतालों का दौरा किया है। सरकारी अस्पतालों में सरकारी कुव्यवस्था की पोल खोली है, उससे भी कहीं ना कहीं सरकार की काफी किरकिरी हुई है। वहीं बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के आवास से एम्बुलेंस छापेमारी मामले में उन पर केस भी दर्ज हो गया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव पर रंगदारी, तोड़फोड़ और हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज कराया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर गांधी मैदान ले जाने के क्रम में पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, पहले ही उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। पूर्व सांसद ने साफ कहा कि लोगों को बचाने का उन्हें यह इनाम मिल रहा है। फिलहाल पूर्व सांसद को गांधी मैदान थाने में रखा गया है, जहाँ उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। चंदन जी कहाँ ले जा रहा है गुफा पढ़ने? आप चलिए ना, वो हम लोग हट जाएंगे, हम लोग हट जाएंगे, चलिए ना। हेलो रुक जाओ, हाँ सरकार को पूछे ना तो हम क्या बोल सकते हैं भैया। ये ना इनसे पूछे ना कि क्या प्रॉब्लम हुई सरकार को, किस जुर्म में आपको ले जाया जा रहा है, आपको क्या पता भैया,
ये इनसे ना पूछिएगा, हटे आप लोग, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। देखिए सर, रोगी को पहुंचाइए, बाधा मत पहुंचाइए, करने की बात कही गई है। पूरी सेवा करेंगे, जो लोगों को बचाएंगे उसका ये प्रतिफल है। पुलिस से क्या कहा आप, इंस्पेक्टर साहब से ना, डीएसपी साहब सुरेश बाबू आए हमारे बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे पूछिए क्या है, क्यों कारण है। बाधा मत दो प्लीज, ये नहीं ना, हम लोग गिरफ्तार कर कानून का उल्लंघन किया है आप, या ये तो उनसे न पूछेगा हमने कानून का क्या उल्लंघन किया, उनसे न पूछेगा क्या कहेंगे, किस सेवा करने का नतीजा है। नीतीश कुमार की ज्यादती, जुल्म, अत्याचार की जिसको गिरफ्तार करना चाहिए, इनका कहा गया नहीं जन फंसाएंगे नहीं, बचाएंगे नहीं, जिसको जिसको बचाना चाहिए आईना दिखा रहे हैं, फंसा रहे हैं। हटाओ ना यार, हटाओ, टक्के मार दो। सरकार जबरदस्ती आवाज को दबा रही है और हम आवाज दबने नहीं देंगे, दबने नहीं देंगे। सेवा करने का ये नतीजा है, पूरी बिहार की जनता देख रही है, पूरे बिहार की जनता साथ में है। आदरणीय साइड है, साइड है, पप्पू जी पुलिस से क्या कहा, दूरी बनाई, पुलिस से क्या कहा, आप इंस्पेक्टर से आप सुना, डीएसपी से आप सुने, सब हमारे बुद्धा कॉलोनी, आप इनसे पूछिए क्या है, आप पीछे पीछे हटिए प्लीज, बाधा मत पहुंचे प्लीज, बाइक जरूर, बाइक नहीं ना, गिरफ्तारी हुई है ना, गिरफ्तारी में बाइक क्या, गिरफ्तारी करके ले जा रहे हैं लोग। Thank you.